नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। अरविंद केजरीवाल को हटाओ, शांति भूषण ने कहा। दिल्ली में गर्माते चुनावी माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने केजरीवाल को पार्टी प्रमुख पद से हटाने की मांग की है। पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल के मुखर आलोचक रहे भूषण ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में बेदी का योगदान महत्वपूर्ण था। साथ ही उन्होंने बेदी के आरएसएस की प्रशंसा करने वाले बयान का भी समर्थन किया। श्री श्री रविशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, अमिताभ बच्चन को मिलेगा पद्म विभूषण। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत 148 लोगों को पद्म सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है। 25 जनवरी को इन पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आडवाणी, अमिताभ, रजनीकांत, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। दिलीप कुमार, के एस वाजपेयी, अशोक गुलाटी, हरीश सालवे, एन गोपाल स्वामी, पी वी राजारमन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधु, हॉकी खिलाड़ी सरदारा सिंह, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। अमेरिका ने मारे 6000 आईएस आतंकवादी। अमेरिका का मानना है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उसके हवाई हमलों में करीब 6000 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। रक्षा मंत्री चक हेगल ने हालांकि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में प्रगति का आकलन करने के लिए मारे गए उग्रवादियों की गिनती न करने को कहा है।